मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लार्ज नंबर के बारे में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था पहला नंबर। नंबर क्या रहता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड सिम्बल्स न्यूमरल्स दैट रिप्रेजेंट क्वान्टिटीज़। मतलब ये क्या है, एक स्पेशल टाइप के सिम्बल्स रहते हैं जिनको हम देखते हैं कि वो एक अलग ही अपना क्या पहचान बनाते हैं, और उन सिंबल्स को पर्टिकुलर क्वांटिटी के हिसाब से इन्होंने बोला जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो ये हैं, इसमें हर एक को क्या कहा जा रहा है? डिजिट कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? ये स्पेशल जो सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स को क्या कहा जा रहा है? डिजिट कहा जा रहा है ना। अब डिजिट्स 0 to 9, ये जो 10 डिजिट्स हैं, इनसे मिलकर इनको मिलाकर हम बड़े से बड़ा क्या कर सकते हैं? नंबर बना सकते हैं। न्यूमरल्स क्या रहता है? एक सिंगल डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर। मतलब क्या है? एक सिंगल डिजिट हो या डिजिट से मिलकर बनने वाला, ये क्या कहलाता है? नंबर कहलाता है। सिंगल के लिए जैसे हमने एग्जांपल लिया था 9, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? मोर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा हो तो वो नंबर कहलाएगा। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन ये एक डिजिट से मिलकर बना है, ये 3 डिजिट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, न्यूमरेशन क्या है? न्यूमरेशन यहाँ पे देखते हैं, जैसे नंबर कोई भी जो फॉर्म है, कोई भी जो हमको डिजिट दिया हुआ है, उसको अगर हम वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर जो है उसको हम अगर वर्ड्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है? हमारा न्यूमरेशन कहला रहा है। अब प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या चीज़ होती है? प्लेस वैल्यू जैसे कोई नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, अब मुझसे पूछा गया कि फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू तो हम यहाँ से गिनेंगे 1, 10, 100, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है? 100। अब ये जो नंबर है ये कितना है? 3 टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 100। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 3। इस नंबर की जो फेस वैल्यू है वो क्या है? 3 है ना। अगर पूछा जाए कि फेस वैल्यू कितनी है इस नंबर की, मतलब यहाँ पे ये जो 3 है इसकी फेस वैल्यू कितनी है, तो मैं यहाँ बताऊँगा कितना? 300। कितना बताऊँगा? 300। क्यों? क्योंकि ये 1, 10, 100, तो ये 100 तो है। अब जो नंबर दिया हुआ है उसका मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 300, जो कि इसकी फेस वैल्यू रहेगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। प्लेस वैल्यू चार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने देखा था कि भाई कोई बड़ा सा बड़ा नंबर है, उसको हमको अरेंज करना है ना, हमको उसको बताना है कि वो किस फॉर्म में हम उसको पढ़ सकते हैं, किस फॉर्म में हम उसको दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसको किस तरीके से बोला जाए, कैसे इसको डिवाइड किया जाए, कैसे बताया जाए, है ना। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, उसको थोड़ा सा हम और डीपली देखते हैं। बेटा ये सब चीज़ें हम लोगों ने, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, अभी हम इनको क्या कर रहे हैं? रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, जैसे वंस है, वंस में इन्होंने 3 टर्म्स दिया हुआ है। पहला वंस में 3 पीरियड है, कौन कौन से हैं? पहला वंस, देन टेंस, देन थर्ड हंड्रेड्स। ठीक है, ये वंस वाला पीरियड है। ठीक है, अब आते हैं हम थाउजेंड्स वाले पीरियड में। थाउजेंड्स, थाउजेंड्स में कितना है? एक है थाउजेंड, देन 10,000, थाउजेंड्स एंड 10,000s। ठीक है, अब जो मेरा तीसरा पीरियड है वो है लैक। कौन सा है? लैक। अब लैक में भी क्या होगा? पहला लैक, देन दूसरा 10 लैक। ठीक है, देन थर्ड पीरियड है मेरा लैक, फोर्थ पीरियड है मेरा क्रोर। ठीक है, क्रोर भी हमारा कितना होगा?
टू पीरियड्स में डिवाइड है, पहला क्रोर देन 10 करोर, 10 करोर, ये हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। जैसे मान के चलिए मैं इसको एक टेबल के फॉर्म में बता रहा हूँ, जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान के चलिए मैंने नंबर लिख लिया, तो ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये 10,000 प्लेस पर है, देन ये लैक प्लेस पर है, ये 10 लैक प्लेस पर है, देन ये क्रोर प्लेस पर है। ठीक है, ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कौन सा नंबर कहाँ पर है और किसकी क्या वैल्यू है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है, तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा डिजिट है, 8 है, टेंथ प्लेस पर कौन सा है, 7 है, लैक पर कौन सा है, 3 है, क्रोर पे कौन सा है, 1 है, ऐसे हम इसको बता सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था इसी चैप्टर में, कि कोई जो नंबर लिखा हुआ है, पहला अब मान के चलिए ये नंबर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हमको वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, तो वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे पीरियड्स का यूज़ करेंगे। कैसा, यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूँगा, 1, 10, 100 पीरियड आया, तो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक है, अब मैं इसको रीड कर सकता हूँ, है ना, ये मुझे एक हेल्प प्रोवाइड कराता है, किसी भी नंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, बड़े से बड़े नंबर को ईजिली ब्रेक करके उसको रीड कर सकता हूँ, कितना होगा 1, 10, 100, 1000, 10,000, इसका मतलब कितना है 12,345। तब ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको मैं वर्ड्स में लिखूंगा, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे पहली एक्सरसाइज में भी किए हैं, देखे हैं हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, भाई इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट है ये हमारा इंडिया के लिए है, ठीक है। अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसको माना जाता है, देखा जाता है ना, जैसे हमारी मान के चलिए जो हमारी हिंदी काउंटिंग होती है 1, 2, 3, 4, हम अगर उसको फॉरेन या कहीं अमेरिका कहीं विदेश में यूज़ करेंगे तो लोग उसको नहीं समझ पाएंगे, है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूरा एक सिस्टम बनाया है जहाँ पर क्या है कि अगर ऐसा बोला जाएगा तो हम इजीली उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इस कारण से इसको देखा गया है। तो इस में हम लोग यही चीज़ देखेंगे कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, ये जो हमारा वंस वाला जो पार्ट है ये एज इट इज़ रहता है, वंस वंस प्लेस पे ही रहता है, टेंस टेंस पर ही रहेगा, देन हंड्रेड हंड्रेड पर ही रहेगा। अब देखिए चेंजेस क्या आते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में, 1000 1000 प्लेस पे ही रहेगा, ठीक है, देन 10,000 10,000, देन अब हमारा यहाँ पे क्या आता है 10,000 के बाद लैक, लेकिन यहाँ क्या आता है 100,000s, क्या आता है 100,000s, ठीक है, अब 100,000 आता है, अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 10 लैक, तो अब ये क्या आ जाता है यहाँ पे 10 लैक इक्वल हो जाता है मिलियन, मिलियन कौन सा 1 मिलियन, मतलब मिलियन, ठीक है। अब हम लिखते हैं, हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 करोड़ 10 लैक, अब यहाँ पे 10 मिलियन, मतलब यहाँ पे 10 मिलियन बराबर कितना हो जाता है 1 करोड़, कितना हो जाता है 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ के इक्वल हो जाता है, देन 100 मिलियन बराबर कितना हो जाता है हमारा 10 करोड़ के बराबर, ठीक है, इसी को हम यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, कंपैरिजन है कि कौन सा टर्म को क्या कहा गया है, इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम में क्या बताया है, ठीक है, ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, लैक 10 लैक, करोड़ 10 करोड़, ठीक है।
अब यहाँ पे ये वंस वाला सिस्टम है, तो ये वंस वाला एज इट इज़ यहाँ पर भी है, ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ठीक है, थाउजेंड भी है, 10,000 भी है। अब यहाँ इंडियन सिस्टम में क्या आ गया, लैक आ गया, मतलब कितना, यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ कि 1 लैक बराबर इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, 100,000 बोलेंगे, ठीक है, 10 लैक बराबर कितना बोलेंगे, 1 मिलियन बोलेंगे, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन बोलेंगे, 10 करोड़ बराबर कितना बोलेंगे, 100 मिलियन बोलेंगे। बेटा अब देखिए, इसमें हम लोगों ने एक एक चीज़ को क्या किया है, डिस्कस किया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को ये हर चीज़ क्लियर हुई है। इसके बाद भी अगर आप लोग को डाउट जाती है, तो आप मुझसे इस चीज़ को कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है, इनको आपको क्या करना है, ये MCQs हैं, इनको आपको देखना है अच्छे से और फिर इनको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बोला है कि द न्यूमेरल फॉर 83,328,632। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बताना है कि इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें आप लोग क्या डिस्कस, इसमें क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने क्या किया है, अभी लास्ट इसी में कुछ समय पहले हम लोगों ने क्या देखा है कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड जो पार्ट है उसमें भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या करना है आपको, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं, ये जो आपको न्यूमेरल्स दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है, नंबर्स में चेंज करना है, 608,608,2060, है ना, ये नंबर दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या है, 608,2060, देखिए हम इसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए बेटा, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा क्वेश्चन था 608,2060, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 608 608 608 मिलियन से ज़ीरो पुट किया, ये 608 मिलियन, देन 2060 2060, आया समझ में। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। आई रिपीट, देखिए 608 608 मिलियंस, देन बोला है 2060 2060, आया समझ में। अब देखिए आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने जैसे पहले ऑलरेडी एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में ये बोला है, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में इन नंबर्स को बताना है, ठीक है, यहाँ पे कॉमास का यूज़ करके हम इनको बताएंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या क्या देखेंगे, है ना, 10 लाख से ऊपर है तो हम मिलियन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम इनको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू हम लोगों ने देख लिया है, फेस वैल्यू हम लोगों ने देखा है, प्लेस वैल्यू देखा हुआ है, यहाँ पे दिया है प्लेस वैल्यू इक्वल टू कितना होता है, फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ प्लेस, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब हमारा नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, अब जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लार्ज नंबर में, है ना, ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अब ये हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग देखेंगे कि इन लोगों ने क्या कहा है और हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, एक्सरसाइज 1.2 में बोला है मैच द फॉलोइंग अंडरलाइन डिजिट्स टू देयर प्लेस वैल्यूज़। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू बताना है, हम जैसे हम लोगों ने देखा है प्लेस वैल्यू, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसमें अंडरलाइन हो रहा है,
है ना, जैसे यहाँ पे 8 में अंडरलाइन हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक। तो ये कौन सी प्लेस पे है, लैक प्लेस पे है। तो यहाँ पे देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक, है ना। ऐसे जो जो अंडरलाइन हो रहा है उसको आप वहाँ पे हमको क्या करना है, प्लेस वैल्यू बताना है उस डिजिट की। अभी हमने इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 100,000 होता है ना। 1 मिलियन इक्वल्स टू कितना होता है, 100,000 होता है। अब 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लाख होता है ना। कितना होता है, 10 लाख होता है। ऐसे करोड़ पूछा है तो 10 मिलियन होता है, करोड़ या थाउजेंड्स में पूछा है तो 100,000 होता है ना। ऐसे इन क्वेश्चंस को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स। अब इसमें क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है कि 5 की क्या प्लेस वैल्यू है। तो यहाँ पे 5 यहाँ इस पोजीशन पर है, तो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक, 10 लैक। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 लैक है। ऐसे यहाँ पर 1, 10, 100, 1000, 10,000 लैक, ठीक है, ये लैक प्लेस पर है ना। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म हम लोग समझते हैं, क्या करेंगे, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको क्या करना है, पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, मतलब बड़े नंबर में लिखना है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 28 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 × 10 + 8, 2 × 10 + 8। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसको ब्रेक करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। देखिए हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, जिसमें बोला है एक्सपेंडेड फॉर्म में आपको लिखना है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसी एग्जांपल की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड करेंगे कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ठीक है, कितना बड़ा है, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, मतलब 18,72,57,328 ये दिया हुआ है। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब इसको बढ़ा करके लिखना है कि एक्चुअल ये क्या नंबर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 18 करोड़ 72 लाख 57,328, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ब्रेक जैसे मैंने किया है, यहाँ पे कितना है, 18 करोड़ 72 लाख 57,328 दिया हुआ है। अब यहाँ पे कितना है, 18 करोड़, है ना। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इसको ब्रेक किया, 10 करोड़ प्लस 8 करोड़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने क्या देखा, 72 लाख, तो कितना किया मैंने, 70 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 57,000, तो 50,000 + 7,000 + 7,000, ठीक है। देन आगे कितना दिया है, 300, कितना दिया, 300, है ना। तो मैं लिखूँगा कितना, 300, ठीक है, प्लस अब ये कितना है, 28, तो कितना, 2 × 10 + 8, 10 मतलब ये 10, ठीक है। देन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 × 1, ठीक है। अब इसको मैं ब्रेक कर लूँगा, 10 करोड़ 8 करोड़, ये मैंने ब्रेक कर लिया। अभी यहाँ मुझे नंबर ऑफ़ ज़ीरोस मिलते जाएंगे, ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोस को मैं क्या करूँगा, ऐड करता जाऊँगा। जैसे ये 10 करोड़ है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, ठीक है। अब कितना है, 10 करोड़। अब हम काउंट करते हैं, हम सही हैं गलत हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ये 10 करोड़ हो गया।
अब इसके बाद क्या दिया, 8 करोड़ दिया, तो इसी के नीचे जाऊंगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख 10 लैख करोड़, ठीक है। अब 70 लैख दिया तो कितना लिखूंगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख 10 लैख, है ना। तो 10 लैख पे कितना आ गया है, 7, ठीक है। ऐसे इन सभी को मैं क्या करता जाऊँगा, प्लस करता जाऊँगा, जैसे 10 करोड़ लिखा प्लस 8 करोड़ लिखा प्लस 70 लैख लिखा, फिर 2 लैख लिखा, तो वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लैख, ये हो गया, ठीक है। देन कितना है, 50,000, तो कितना लिखूँगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, ठीक है। ऐसे इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 डिस्कस किया था, ये हम लोगों यहाँ पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन अ कॉम्पैक्ट रिड्यूस फॉर्म। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको इसके जैसा बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा बनाना है। मतलब इसको क्या करना है, फैला कर लिखना है, बड़ा करके लिखना है जैसे यहाँ दिया हुआ है, और इस क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे छोटा करके लिखना है, ठीक है। आया समझ में जी। अब देखना, हम लोग इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको जहाँ पर भी जो भी जैसी भी डाउट जाती है, आप लोग मुझसे पूछिएगा, ठीक है। जैसे भी आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली मुझसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।